बालाकोट में जाली भारतीय ऑपरेशन और पाक फौज की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देने का एक साल मुकम्मल। आज वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। सत्ताईस फरवरी भारत कभी नहीं भूल पाएगा। मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों का सामानी सेक्टर का दौरा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान की ब्रीफिंग। आईएसपीआर की तरफ से सहाफियों को भारतीय पायलट अभिनंदन की क्रैश साइट का दौरा भी करवाया गया। 27 फरवरी को पाक फिजाइया ने होरा गांव में भारतीय मिग गिराया था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को रिहाई के परवाने का इंतजार। तहार रोबकार जारी ना हो सके। एहतसाब अदालत का तहसीलदार से तस्दीक के बाद जमानती मसल के जमा करवाने का हुक्म। वजीर आजम ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर आज इजलास बुला लिया। बिजली सब्सिडी खत्म करने का मामला भी जेर बहस आएगा। वजीर आजम से गौहर एजाज और एप्टमा के रहनुमाओं की मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात से ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। काफ लीग सदर का कहना था कि दोनों मुल्कों के आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। कराची के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान के मैयत सर्द खाने से घर मुंतकिल। नमाज जनाजा के इंतजाम मुकम्मल। मुल्क भर से जमात इस्लामी के कारकुनों की आमद। I would like to welcome and thank Sheikh Nian, my friend, coming all the way from Abu Dhabi to attend this function and giving that very knowledgeable and wide-ranging speech. So I want to first of all thank you, and secondly, I want to say on behalf of my people, people of Pakistan, the way UAE has stood with Pakistan at a time when we needed friends, and UAE proved that they are a friend in need. They helped us at a time when we faced probably one of our most challenging economic crises. And thanks to the way UAE helped us, and of course Saudi Arabia and China,